ආදින්න දාන වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ආදින්න දාන වර්මනි සික්ඛාපදං බාත 15 साल पुरानी लगभग है जब दिल्ली के अंदर साइबर कैफे आरंभ हुए स्टार्ट हुए। साइबर कैफे मतलब एक दुकान जिसके अंदर छोटे छोटे से केबिन बने हुए हैं और वहां पर कुछ कंप्यूटर रखे हुए हैं। आप इंटरनेट से वहां जाके इंटरनेट का काम कर सकते हैं 10 रुपये घंटे के हिसाब से। मैं उन दिनों साइबर कैफे में जाके जाता था तो वहां चैट रूम हुआ करते थे, यानी कि वहां लोग चैटिंग करते थे, कोई भी कर सकता है, किसी का कोई भी रूम ज्वाइन कर सकता था। तो मैं चैट करता था तो चैट करते समय एक बार एक बहुत ज्यादा ऊंचा पढ़ा लिखा व्यक्ति मेरे से टकराया और वो मुझे गॉड के बारे में ज्ञान देने लगा, जानकारी देने लगा, लेक्चर देने लगा। वो मुझे गॉड के बारे में बातें करता और मैं अपना कोई छोटा सा प्रश्न उसको देता, वो छोटे से प्रश्न में चित्त हो जाता, फिर वो थोड़ा गॉड का जितना उसने सीखा, जितना वो जहां से पढ़ के आया, जितना उसने सीखा, फिर वो कुछ करता और फिर वो मैं कोई छोटा सा प्रश्न उससे करता, फिर वो चारों खाने चित्त हो जाता। ऐसे 3-4-5 दिन चले, उसने मेरे पे अपना इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपनी धमक और अपनी दादागिरी दिखाने के लिए उसने अपनी डिग्रियां बताई मुझे कि वो कितना पढ़ा लिखा है। मैं तो 8वीं पास बड़ी मुश्किल से व्यक्ति, मैं उसकी डिग्रियों का मुकाबला क्या करता। तो वो सारी बातें चैट पर करने लगा, गॉड की महिमा करने लगा। मैंने फिर एक छोटा सा क्वेश्चन किया, वो फिर चारों खाने चित्त हो गया। फिर उसकी महिमा खत्म हो गई और वो थक गया। थकने के बाद उसने मुझसे पूछा कि आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या आप गॉड पर यकीन करते हैं? तो मैंने उससे कहा कि तेरा गॉड मेरे यकीन पर टिका हुआ है, तो सोच तेरा गॉड खड़ा कहां है। यह सेंटेंस सुनने के बाद में फिर उसने गॉड का प्रचार करना छोड़ दिया और उसने मुझसे माफी मांगी। उसने दोनों हाथ मुझसे जोड़ के कहा कि मैंने बहुत लोगों को गॉड के बारे में समझाया, सभी कन्विंस हो गए, आज मैं आपसे कन्विंस हुआ हूं, एक सेंटेंस ने मेरी जिंदगी बदल दी कि अगर तेरा गॉड मेरे यकीन पे टिका हुआ है तो तू सोच के तेरे गॉड खड़ा कहां है, तेरे गॉड का स्टैंड क्या है, तेरी गॉड का तेरे का स्टेटस क्या है, क्या पोजिशन है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कभी किसी से बात करिएगा और किसी से जब बात करें और बात करते करते सोचिए और समझिए, तब आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस में कितना दम है। सेंटेंस बहुत सिंपल सा है कि अगर तेरा गॉड मेरे यकीन पर टिका है तो तू सोच के तेरा गॉड कहां खड़ा है। दरअसल मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि आप अपना यकीन फ्री में लुटाए जा रहे हैं। यकीन मतलब आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप क्रियावादी नहीं है, प्रतिक्रियावादी हैं, आप निकम्मे हैं, नकारा हैं, आप कंपिटेंट नहीं हैं, आप दरअसल कुछ करना नहीं चाहते, इसलिए कोई और कुछ कर रहा है, चारों तरफ कुछ कर रहा है, देश में कुछ कर रहा है, दुनिया में कुछ कर रहा है, तो आप उस पर सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्रिया नहीं दे रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, एक चित्रकार ने क्रिया कर एक बहुत बढ़िया एक मूर्ति, एक स्टैचू बनाई और वो उसने प्रदर्शनी में रख दी और उसने एक बोर्ड वहां लगा दिया और कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर इसमें कोई कमी लगे तो यहां नोट कर दे, लिख दे। तो वहां जो भी व्यक्ति उसे देखने आता वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसमें लिख देता, हर एक व्यक्ति, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसका दांत थोड़ा ऐसा होता है, इसकी आंख थोड़ी, इसका रंग, इसका नाक, इसका बाल, 50 बातें उसमें हर व्यक्ति ने लिख दी। उस व्यक्ति ने फिर दूसरा बोर्ड लगाया, उसने कहा कि जिन भी श्रीमान ने ये कमियां लिखी हैं, ये छेनी है, ये हथौड़ा है, इस कमी को ठीक कर दें, और एक भी नहीं आया। क्रिया करने के लिए, एक्शन करने के लिए, काम करने के लिए एक भी नहीं आया सुधार के लिए, और प्रतिक्रिया करने के लिए और उसमें रुकावट डालने के लिए और प्रतिवाद करने के लिए, रेटिलिएट करने के लिए, प्रतिशोध करने के लिए सभी आ गए, यानी काम करने एक नहीं आया, उसको ठीक करने एक नहीं आया। ये स्थिति बहुत ज्यादा निगेटिव और निकम्मी पैदा हो चुकी है। कोई काम कर रहा है, किसी ने संगठन बनाया है, कोई 100 साल से लगा हुआ है, किसी की कोई विचारधारा है, कोई अपने कार्यालय बना रहा है, कोई अपने
लोगों को कुछ दे रहा है, कोई अपनी स्ट्रेटजी पर चल रहा है, कोई किसी तरीके से चीजें चल रहा है, उसका काम है, वो कर रहा है, उसे वही करना है क्योंकि उसने वो सीखा है, उसके लिए वो अपना जीवन दे रहा है, चल रहा है, उसको वो क्रिया कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? उसकी क्रिया में शामिल होकर प्रतिक्रिया दे रहे हो उसको, आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, आप उसको कह रहे हो तेरी मूर्ति तो ठीक है मगर मूर्ति में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। आप मूर्ति को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, आप उसको कह रहे हो कि हाँ मूर्ति है, मानते हैं। अरे आप अपना मूर्ति बनाओ ना, आप 20 मूर्ति बनाओ, 30 बनाओ, 50 बनाओ, कोई रोकता है आपको? आप उसमें क्यों जाके बार 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 अपनी उंगल कर रहे हो? क्यों उसमें जाके अपनी लकड़ी कर रहे हो? क्यों आप उसको जाके कुरेद रहे हो? क्यों उसको प्रतिक्रिया दे रहे हो? आपको रेटिलिएट करने के अलावा और कुछ नहीं आता, हिम्मत नहीं है अपना काम करने की, नहीं है। किसी ने अगर एक भवन बनाया है तो आप उसके भवन को रोकने में लगे हुए हो, आप उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हो, आपने अपने लाखों घंटे, लाखों सेकंड, आपने अपना नेट, अपना टाइम उस पर लगा दिया। अरे इतने में तो आप 10 बना लेते। आप अपना बनाने लायक नहीं हो तो किसी को प्रतिवाद करने का आपको राइट भी नहीं है। दरअसल क्रिया कीजिए, प्रतिक्रिया मत कीजिए। जो प्रतिकार आप कर रहे हैं, जो प्रतिकार आप कर रहे हैं, उससे जिसका प्रतिकार कर रहे हैं उसको फायदा होता है, उसको एनर्जी मिलती है। ये ठीक ऐसे मैं आपको बताऊं, एक औरत ने एक पाजेब खरीदी और एक उसने अंगूठी खरीदी। अब पाजेब और अंगूठी उसने खरीद ली और गांव को पता नहीं चला, तो उसने कहा कि भाई हमने ये अंगूठी खरीदी और ये पाजेब खरीदी और गांव को पता नहीं चला तो फायदा क्या हुआ? जब तक 10-20 लोग जलन से ना मर जाएं, ईर्ष्या से ना मर जाएं, परेशान ना होए, जब तक 10-20 लोग कुएं में कूद के ना मर जाएं इस कारण से, तब तक इसका मजा नहीं है। तो उसने कहा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं गांव की दावत को बुलाता हूं। तो उसने गांव की दावत बुलाई, और गांव की दावत पहले क्या होती थी, पत्तलों पर नीचे बैठ के, और वो जो औरत थी वो अपनी पाजे पहन के और अपनी अंगूठी पहन के आई और पाजे बजाती हुई सबको दिखाती हुई, और अब अंगूठी दिखानी है तो कैसे करे, तो अंगूठी को उसने ऐसे किया और अंगूठी को ऐसे करके कहती है झा पस्सो झा पस्सो झा पस्सो झा पस्सो, यानी कि यहां खाना परसो, यहां परसो, यहां परसो, पाली में पस्सो बोलते हैं, तो पस्सो पस्सो कर रही है और वो सबको दिखा रही है। तो लोग खाना खाना भूल गए, जो औरतें थी वो खाना खाना भूल गई। अब जो छमछम करती हुई उसकी पाजेब थी, जो वो अपना घाघरा उठा के पाजेब बजा रही थी, उसको देखें या झा पस्सो की अंगूठी देखें, खाना तो उनका दूभर हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। अगर वो बिना प्रतिक्रिया दिए उसका खा जाते तो उसका माल भी खा जाते और अंगूठी का उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कन खूब मेहनत करते और चार झांझर अपनी, चार जो जवाहरात हैं वो अपनी औरतों को बनाते पहनाते और उसको और जलाते, वो बेहतर था। तो यहां जो आप लगातार लगातार निगेटिव बात कर रहे हो, प्रतिक्रिया दे रहे हो, प्रतिक्रिया देना चाहिए इसमें कोई शक नहीं है, मगर तब देना चाहिए जिसको प्रतिक्रिया दे रहे हैं तब उसको फायदा ना हो। अगर आपकी प्रतिक्रिया से उसको फायदा हो तो नहीं देना चाहिए, और आपकी प्रतिक्रिया से अगर उसको नुकसान हो तो जरूर देना चाहिए, और आपकी प्रतिक्रिया से अगर आपको फायदा हो तो 100% देना चाहिए। तो प्रतिक्रिया के नियम है। काम कोई और कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? अच्छा है, खराब है, बुरा है, बस गालियां पे गालियां, गालियां पे गालियां, गालियां पे गालियां। अरे अपना बनाओ ना कुछ, अपना कुछ इतना ऐसा आलीशान बनाओ जिसको देख के लोग आपको प्रतिक्रिया दें, आपसे जलें, आपसे ईर्ष्या करें, तब बात में मजा है, तब युद्ध जीता जाता है। किसी की बनी हुई मीनार पे कहो कि तेरी मीनार टेढ़ी है, तेरी ईंट ऐसी नहीं लगी है, लोग हंसते हैं, कहते हैं मूर्ख हैं। अरे अपनी मीनार बनाओ और सामने वाला के कहें कि आपकी मीनार अच्छी है, हमारी तो बेकार है, तो मजा है जीतने का। ये युद्ध है, इसमें जीतने के लिए आपको अपनी प्रतिक्रिया बचानी चाहिए। अगर आपकी प्रतिक्रिया पे अगर कोई आदमी रिकॉग्नाइज होता है तो प्रतिक्रिया रोक लीजिए। अगर मेरे मानने पे तेरा गॉड एग्जिस्ट करता है तो मैं ऐसी मान्यता नहीं देता, तेरा गॉड खत्म हो जाता है, फिर तेरा गॉड नहीं रहता, क्योंकि गॉड की पहली शर्त है कि मानना है, है नहीं मानना है। तो जिसको आपने मान लिया वो गॉड हो गया, और जिसको आपने नहीं माना आप गॉड हो गए। कितना सीधा सा फार्मूला है, जिसको आपने मान लिया वो गॉड हो गया, क्योंकि गॉड की पहली कंडीशन है कि आपको मुझे मानना है, मैं हूं या नहीं ये सवाल नहीं, और जब आप मान लोगे तो उसमें यह भी मानना है कि मैं हूं, यानी आपके मानने से मैं गॉड हूं,
और अगर आप मुझे नहीं मानते हैं तो फिर आप गॉड हो गए, यानी अगर मैं नहीं मानता तो मैं गॉड हो गया उसके लिए। कितनी छोटी सी, कितनी सरल बात है। आप प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए, क्रिया शुरू कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए, रेटिलिएट मत कीजिए, प्रतिवाद मत कीजिए, एनर्जी को बचाइए। आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप कहीं झंडे नहीं गाड़ रहे हैं, आप कहीं ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि कोई बहुत ऊंचा शानदार है और आपको मेडल मिलने वाला है। मेडल आपको जब मिलेगा, जब क्रियावादी काम आपका बहुत बढ़िया होगा, लोग उसको देखने आएंगे। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदल कर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.